अंदर देखा जब ये रंगीन नजारा, वो डंडा ले आई बंदर भगाने के बाद। अब तलक उसको ध्यान हो मेरा, क्या पता ये गुमान हो मेरा। लंगूर के मुंह में अंगूर मिलते हैं, यहाँ गधा बड़े मजे से मलाई खा रहा है। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अरे बाप रे वाह, जिंदगी बड़ी खूबसूरत शय है और उसे खूबसूरत बनाता है वो भाव जो हमारे भीतर होता है। एक बड़ी पुरानी कहानी मुझे याद आ गई। एक महिला थी, बुजुर्ग थी और एक मंदिर में रोज दर्शन करने आती थी। सीढ़ियों पर बैठती थी, उनके पास एक झोला होता था और उस झोले में एक बड़ा महंगा हीरा होता था, शायद करोड़ों में उसकी कीमत रही होगी। एक लड़का रोज उसे देखता और लौट जाता और उसे पता था कि इनके पास वो है। एक दिन आया उनके पास और बातचीत करने लगा और कहने लगा कि माँ जी, मुझे आपसे कुछ चाहिए। बोला, क्या चाहिए? मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं गरीब हूँ एकदम। नहीं, बोला आपके झोले में पत्थर पड़ा है ना, हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम उसकी कीमत कम कर देते हैं। वो अच्छी तरह से जानता था ये करोड़ों का हीरा है। बोला, आपकी झोली में जो पत्थर पड़ा है आपके क्या काम का, दे दीजिए। उन्होंने एक क्षण भी नहीं लगाया और वो उसे दे दिया। वो लौट गया, दूसरे दिन आया और कहा कि माँ जी, मुझे आपसे एक चीज़ और चाहिए। वो कहने लगी कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, एक पत्थर था जो तुमने कहा, वो पत्थर का टुकड़ा मैंने तुम्हें दे दिया, अब मेरे पास देने को क्या है? उस लड़के की आंखें भीग गई और कहने लगा, माँ जी, मुझे आपके भीतर बसा हुआ वो भाव चाहिए जिसकी वजह से आपने एक क्षण भी बिना सोचे मुझे करोड़ों का हीरा दे दिया। वो भाव जिंदगी को जिंदगी बनाता है, वो देने का भाव, वो अपना कुछ दे के लोगों के चेहरों पे हंसी लाने का भाव, और वही भाव है वाह भाई वाह में। ये भाव कि हम लोगों के चेहरों पे मुस्कान लाना चाहते हैं, उनके लबों पे तबस्सुम छोड़ना चाहते हैं, उनके लिए हमारे साथी हमारे साथ हैं, उनका परिचय करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है जब कोई एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा कवि, एक ऐसा शायर टेलीविजन के मंच पर पहली बार आता है तो मुझे लगता है कि शायद मैंने अपना फर्ज निभाया, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। किसी ने मेरी उंगली पकड़ के मुझे कविता पढ़वाई थी तो मेरा फर्ज है कि मैं लोगों के सामने देश की प्रतिभाएं लेके आऊं। और आज एक ऐसी प्रतिभा हमारे बीच में है जो टेलीविजन कैमरों के सामने तो पहली बार होगी, लेकिन बाकी लोगों से हम पहले मुलाकात कर लेते। तीन लोग हैं मंच पे, एक ऐसे हैं जो जिंदगी की लड़ाई अपने दम से लड़ रहे हैं, जिन्होंने महेंद्र शर्मा जी को दो बरस पहले देखा होगा, तीन बरस पहले देखा होगा, शायद उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे दो बार कोविड हुआ, एक ऐसा व्यक्ति जो एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, इस तरह से उन्होंने जिंदगी की लड़ाई लड़ी है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि मुझे चाहे कितने दुख हो, मैं लोगों को हंसाना नहीं छोड़ूंगा। एक जिजीविषा का व्यक्ति हमारे बीच में, जिनका नाम है महेंद्र शर्मा। महेंद्र शर्मा के बाई और जो बैठे हैं वो उदयपुर से आते हैं। उदयपुर बहुत खूबसूरत शहर है, उस खूबसूरत शहर से ये कवि आता है, अजातशत्रु। अजातशत्रु उसे जिसने अपने शत्रुओं पर विजय पा ली हो, जिसका कोई शत्रु नहीं हो, और अजात ने भी अपने शत्रुओं पर विजय पा ली, और उसका सबसे बड़ा शत्रु उसकी उम्र। वो पिछले 25 सालों से मैं उसे जानता हूँ, वैसा ही दिखता है, न एक इंच घटा न एक इंच बड़ा। शरीर की कुछ चीजें कम हो गई तो उसने बड़ा एडजस्ट कर लिया। अजात शत्रु हमारे बीच में, हम स्वागत करते हैं अजात शत्रु। लॉकडाउन के समय में मैं और आप तमाम लोग बैठे हुए क्या करते थे, इंटरनेट खंगालते थे या किताबें पढ़ते थे, तो एक शेर मैंने सुना और मेरे जहन में छप गया वो शेर। शेर था कि खाली बैठे हो एक काम मेरा कर दो ना, खाली बैठे हो एक काम मेरा कर दो ना, एक अच्छा सा जख्म अता कर दो ना, ध्यान से दाना पानी देते हो तुम पंछी को। मिसरा इधर उधर हो सकता है लेकिन अब जिसका है अब वो तो कहाँ सुनेगा, तो मैं सुना देता हूँ। खाली बैठे हो तो एक काम मेरा कर दो ना, मुझे एक अच्छा सा जख्म अता कर दो ना, ध्यान से दाना पानी देते हो तुम पंछी को, इतने अच्छे हो तो पिंजरे से रिहा कर दो ना। जुबैर,
तुम्हें ध्यान है शेर किसका है, जरा माइक उठाओ। जी ये मेरा ही शेर है। जुबैर अली ताबिश, क्या बात। जुबैर को मैंने जब सुना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतना मासूम चेहरा बिना किसी लाग लपेट के इतनी सच्चाई बयां कर देना, ये बहुत कम लोगों को नेमत करता है। और तुम्हें खुदा ने ये नेमत दी है कि तुम बहुत अच्छे से पढ़ते हो, बहुत अच्छा कहते हो। तमाम लोग, महेंद्र भाई आपकी जिजविषा को प्रणाम है। जुबैर तुम्हारी शायरी कमाल की है। आजाद तुम अद्भुत पढ़ते हो। तो आइए इन तीनों के साथ हम इस महफिल की शुरुआत करते हैं। और मैं सबसे पहले बुलाना चाहता हूँ उन्हें जो ज़िंदगी की लड़ाई में हम सबको एक सीख दे रहे हैं, हम सबको एक कह रहे हैं कि ज़िंदगी से हार नहीं माननी चाहिए, नौबत पर मुस्कान हमेशा जिंदा रहनी चाहिए। वो आदमी जो जिंदगी की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, महेंद्र शर्मा, जोरदार ताली से स्वागत करें। अरे आपने कहा जिजविषा के बाद, शैलेश जी मैं अभी पिछले दिनों बॉक्सिंग सीखने चला गया। अरे क्या बात, ये होती है जिजविषा का अर्थ। उन बच्चों को बता दूं जो बहुत कठिन शब्द नहीं जान पाते, जीने की ललक, जीने की इच्छा, जीवन में आगे बढ़ने का साहस, जिजविषा। बॉक्सर ने मुझे देखा, मैंने कहा जी मुझे बॉक्सिंग सिखा दीजिए। बोला आओ रिंग में। मैं रिंग में चला गया, उसने 5-10 मुक्के मुझे अच्छी तरह मारे, मैं बेहोश हो गया। बेहोश 15 मिनट बाद जब पानी छिड़का और मैं लहरा के उठा, लहरा के, तब उसने कहा कि अब भी बॉक्सिंग सीखेगा। हाँ। मैंने कहा जरूर सीखूंगा, पर ये बताइए इसका कोई कोरेस्पोंडेंस कोर्स है क्या? कोरेस्पोंडेंस कोर्स। आइए चार चार पंक्तियों में आपको हंसाने का प्रयास करता हूँ जी। प्रेम की बात करता हूँ। आजकल प्रेम कैसा हो गया जी? कि पहले इरादे फिर वादे फिर हाव भाव से। पहले इरादे फिर वादे, फिर वादे फिर हाव भाव से। वह उसे डेटिंग पे ले गया बड़े चाव से। अच्छा। और बीच समंदर ले जाकर किया प्यार का इजहार, आई लव यू कह दे और ना उतर जा मेरी नाव से। बहुत अच्छे, अब ना बोल है। और बुढ़ापे का प्यार तो और भी खतरनाक होता है। जान कहकर जान ले गई वो, जान कहकर जान ले गई वो, जान कहकर जान ले गई वो, घर का सारा सामान ले गई वो। हम चल दिए आंख बंद करके उसके पीछे, जन्नत के बहाने शमशान ले गए। भाई वाह महेंद्र भाई वाह, क्या बात है। और फिर चार पंक्तियां और कहना चाहता हूँ। हाँ। कि वो छत पर गया पतंग उड़ाने के बहाने, पड़ोसन भी आ गई कपड़े सुखाने के बहाने, और बीवी ने देखा जब ये रंगीन नजारा, वो डंडा ले आई बंदर भगाने के बहाने। बहुत अच्छे, क्या बात है। और चार पंक्तियां मैं कहूं कि लोग दूसरों को कहते हैं कि मोर जिसे समझा वो कौवा निकला, मोर जिसे समझा वो कौवा निकला, मोर जिसे समझा वो कौवा निकला, कमजोर जिसे समझा वो हवा निकला। हाँ। हमें तो कहता रहा बच के चलना, उसी की जेब से विस्की का पौवा निकला। भाई क्या बात है, वाह। शैलेश जी आपने कितने कवियों को, कविताओं को मान दिया और विश्व में कविता का मान बढ़ाया। कहना चाहता हूँ कुछ तो करके दिखाओ किसी के लिए, कुछ तो करके दिखाओ किसी के लिए, कुछ तो करके दिखाओ किसी के लिए, हाथ गम से मिलाओ किसी के लिए, घर तुम्हारा उजालों से भर जाएगा, एक दिया तो जलाओ किसी के लिए। हाय हाय क्या बात है। और चार पंक्तियां और कहना चाहता हूँ कि मन के ऊपर को महकाए तो कुछ बात बने, मन के ऊपर, मन के ऊपर को महकाए तो कुछ बात बने, अधरों पर मुस्कान सजाए तो कुछ बात तो कुछ बात बने, खुद की खातिर खुशियों के सामान जुटाने पर औरों के घर खुशियां लाए तो कुछ बात बने। वाह 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 वाह, तो कुछ बात बने। बहुत बहुत आभार, थैंक यू, थैंक यू महेंद्र भाई, वाह वाह वाह। अरे वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। महेंद्र भाई मैं जितनी दिल से आपकी प्रशंसा करूं कम है। मुझे आपकी ये जो स्वास्थ्य है उसके बारे में पता लगा, और जिस तरह से आप लड़ के निकल के आए, और जिस तरह से आपने अभी भी ये बीड़ा उठा रखा है, और हमेशा ये जो सकारात्मक सोच है आपके साथ है ऐसी बनी रहे। तब मुझे शकील ग्वालियरी साहब है, उनका एक शेर याद आता है। वो कहते हैं कि न बाजुओं न कश्ती पर एतबार करो, न बाजुओं ये जो आपने भाव रखा, न कश्ती पर एतबार करो, खफा है दरिया तो कच्चे घड़े से पार करो, न बाजुओं न कश्ती पर एतबार करो, खफा है दरिया तो कच्चे घड़े से पार करो, हुआ है बंद भलाई का एक दरवाजा,
खुलेंगे और दरवाजे, इंतजार करो। महाराष्ट्र बड़ा ही खूबसूरत प्रदेश, उसका एक बड़ा खूबसूरत जिला जलगांव, और जलगांव के पास एक छोटा सा गांव नगर देवला। लेकिन प्रतिभा जगह की मोहताज नहीं होती, प्रतिभाएं वहीं नहीं पलती जहां ऊंची बिल्डिंगें हो, प्रतिभाएं वहीं नहीं पलती जहां बहुत सारी सुविधाएं हो, प्रतिभाएं सिर्फ प्रतिभाएं होती है। तब एक शायर है, उनका शेर मुझे याद आता है, वो कहते हैं, कोई तोहमत लगाना चाहता है, कोई तोहमत लगाना चाहता है, हमारा दिल दुखाना चाहता है, और दबाकर फूल मुट्ठियों में वो खुशबू को छुपाना चाहता है। खुशबुएं छुपती नहीं है, और ऐसी एक नई खुशबू, एक नई बायार जिसने पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पे तहलका मचा रखा है अपने शेर से, अपनी गजलों से, एक ऐसा शायर जिसमें सहजता है, उसकी जिंदगी में भी सहजता है, उसके कहन में भी सहजता है, और जब आप सुनेंगे तो कहेंगे, भाई जुबैर अली ताबिश तुमने कमाल ही कर दिया, तो अब किस बात का इंतजार है। आओ जुबैर, हम आपके लिए तालियां बजाएंगे। अरे मैंने कहीं पढ़ा था कि बड़ा शख्स, बड़ा आदमी वो होता है जिसके साथ बैठकर आप अपने आप को छोटा महसूस ना करें, और मैंने कभी भी शैलेश सर के साथ बैठकर अपने आप को छोटा महसूस नहीं किया। शुक्रिया। मैं एक मतले से अपनी बात शुरू करता हूँ, सिर्फ एक मतला, देखिए कि गजल के पहले शेर को मतला कहते हैं। जी। उनके गेसू खुले हैं बाल तो यार बने बात मेरी, उनके गेसू खुले, उनके गेसू खुले तो यार बने बात मेरी, एक रबर बैंड ने जकड़ी हुई है रात मेरी। आए हाय, अरे वाह, आए हाय, क्या बात है, वाह जुबैर, वाह वाह, क्या बात है, ये सरलता, आए हाय, एक रबर बैंड ने जकड़ी हुई है रात मेरी, आए हाय, बहुत शुक्रिया। एक मतला और एक शेर देखिए कि बंसी सब सुर त्यागे है, आए हाय, एक ही सुर में बाजे है, बंसी सब सुर त्यागे है, हाल न पूछो मोहन का, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे, आए हाय, वाह 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 वाह, हाल न पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे, बहुत शुक्रिया। एक मतला एक शेर ये भी देखिए कि इस जमाने को जमाने की अदा आती है, इस जमाने को जमाने की अदा आती है, इस जमाने को जमाने की अदा आती है, और एक हम हैं हमें सिर्फ वफा आती है, क्या बात है, चूड़ियां बेच के वो मेरे लिए लाई गिटार, आए हाय, आए हाय, आहा, चूड़ियां बेच के वो मेरे लिए लाई गिटार, तार छेड़ूं तो खनकने की सदा, आए हाय, अरे वाह सुबेर, वाह क्या बात है, आहा। एक मतला एक शेर और ये भी देखिए कि अब तलक उसको ध्यान हो मेरा, अब तलक उसको ध्यान हो मेरा, अब तलक उसको ध्यान हो मेरा, क्या पता ये गुमान हो मेरा, आहा, आहा। तेरे खत रात भर यूं पढ़ता हूं जैसे कल इम्तिहान हो, अरे वाह 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 जुबैर, वाह। एक मतला और कुछ शेर देखिए कि वो पास क्या जरा सा मुस्कुरा के बैठ गया, मैं इस मजाक को दिल से लगा के बैठ गया, क्या बात है, दरख्त काट के जब थक गया लकड़हारा, आहा आहा, दरख्त काट के जब थक गया लकड़हारा, तो एक दरख्त के साये में जाके बैठ, अरे वाह क्या बात है जुबैर, वाह 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 वाह, आहा वाह 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 वाह, क्या बात है, जो मेरे वास्ते कुर्सी लगाया करता था, आहा, जो मेरे वास्ते कुर्सी लगाया करता था, जो मेरे वास्ते कुर्सी लगाया करता था, वो मेरी कुर्सी से कुर्सी लगा के बैठ गया, क्या बात है जुबैर भाई, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। और कुछ शेर, हाँ सुनाओ जुबैर, सुनाते रहो। तुम्हारा रंग दुनिया ने छुआ था, तुम्हारा रंग दुनिया ने छुआ था, तब कहाँ थे तुम, वाह,
हमारा कैनवस खाली पड़ा था, तब कहां थे तुम वहां? और तुम्हारी दस्तकों पर रहम आता है मुझे, लेकिन तुम्हारी दस्तकों पर रहम आता है मुझे, तुम्हारी दस्तकों पर रहम आता है मुझे, लेकिन ये दरवाजा कई दिन से खुला था, तब कहां थे तुम? वाह हाय, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया। एक और कुछ शेर देखिए गजल के, सितम ढाते हुए सोचा करोगे, सितम ढाते हुए सोचा करोगे, सितम ढाते हुए सोचा करोगे, हमारे साथ तुम ऐसा करोगे। आहा आहा, क्या बात है, अरे वाह, अरे वाह। अंगूठी तो मुझे लौटा रहे हो, आहा, अंगूठी तो मुझे लौटा रहे हो, अंगूठी के निशान का क्या करोगे? करोगे, अरे वाह, बहुत अच्छे, वाह, बहुत शुक्रिया। मैं तुमसे अब झगड़ता भी नहीं हूँ, अरे वाह, मैं तुमसे अब झगड़ता भी नहीं हूँ, तो क्या इस बात पर झगड़ा करोगे? क्या बात है, वाह जुबेर, वाह, बहुत अच्छे। और वो दुल्हन बन के रुखसत हो गई है, वो दुल्हन बन के रुखसत हो गई है, वो दुल्हन बन के रुखसत हो गई है, कहां तक कार का पीछा करोगे? वाह वाह जुबेर, वाह, क्या बात है, अरे वाह भाई वाह वाह। जुबेर, ये है कविता की ताकत। मैं देश भर को ये बताना चाहता हूँ जो ये समझते हैं कि ये वो पीढ़ी है जो जैज और पॉप में फंसी हुई है, या ये वो पीढ़ी है जिसे सिर्फ डिस्क के सॉन्ग्स पसंद आते हैं, पूरे देश को देख लेना चाहिए कि ये वो पीढ़ी है जो जुबैर अली ताबिश, महेंद्र शर्मा और आजाद शत्रु की कविताओं पर ऐसे झूमती है। मैं आपके लिए तालियाँ बजाना चाहता हूँ। और वो दुल्हन बन के रुखसत हो गई है, कहाँ तक कार का पीछा करोगे, लेकिन तुम्हारे शेर इन सब लोगों के जहन में ताज़ा रहेंगे, पीछा करेंगे, लेकिन ज़माना तो ज़माना होता है। तब मुझे शायर के दो शेर याद आते हैं, वो कहता है कि दुख में कहता है शेर सुनाने को, शर्म नहीं आती ज़माने को, दुख में कहता है शेर सुनाने को, शर्म नहीं आती ज़माने को, उनको फुर्सत नहीं है कि शेर सुने, तो हम भी खाली कहाँ हैं सुनाने को। और अब बुलाना चाहता हूँ उन्हें जो शौर्य और स्वाभिमान की धरती मेवाड़ से आते हैं, जो बड़ा खूबसूरत शहर उदयपुर से आते हैं। उदयपुर से मैं व्यक्तिगत रूप से बड़ा प्यार करता हूँ, स्नेह करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। उदयपुर ने मुझे जीवन के सबसे करीबी मित्र के रूप में व्यक्ति दिया। उदयपुर में मैंने अपने बचपन में कविताएँ पढ़ी, मेवाड़ में मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, और उस धरती से जब कोई युवक आता है, जैसे मैं युवक ही कहूँगा, हालांकि वो युवक रहा नहीं, वंस अपॉन ए टाइम ही यूज्ड टू बी यंग बट ही स्टिल फील्स यंग। तो आइए अजात शत्रु को बुलाते हैं जोरदार तालियों के साथ। अजात शत्रु, अरे वाह भाई वाह वाह। जुबैर को सुनते हुए आपको थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ी थी, मुझे सुनते हुए बिल्कुल बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने लिखने में नहीं लगाई। कानों में कुंवारी के जो रहती है बालियां, बालियों से प्यारी लगे जीजा जी को सालियां, सालियां परोस लाई लड्डुओं की थालियां, थालियों की कविता बजाइएगा तालियां। आहा, इश्क मोहब्बत प्यार कैसा हो गया है जी। ब्यूटी पार्लर से उतरती और लगती है जैसे नंगे तार पे करंट आ रहा है जी। हाय हाय, करंट में समझते हो, कईयों ने झटके खाए। ब्यूटी पार्लर से उतरती और लगती है जैसे नंगे तार पे करंट आ रहा है जी, या कोई कुंवारी नदी उफन के कहती है आज मेरे मन को समुद्र भा रहा है जी। क्या बात है, षोड़शी बाला को देख सठियाए बोल उठे, आहा, षोड़शी बाला को देख सठियाए बोल उठे, जिंदगी जीने में बड़ा मजा आ रहा है जी। आए हाय, लंगूर के मुंह में अंगूर मिलते हैं, यहाँ गधा बड़े मजे से मलाई खा रहा है जी। हाय हाय, कलयुगी द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा प्रभु देखो ये दुशासन मुझे साड़ी पहनाता। क्या बात है, वाह वाह वाह। रोते रोते कॉलेज में बोल उठे द्रोणाचार्य, एकलव्य मेरा ही अंगूठा काट जाता। क्या बात है, रावण से लेकर सुपारी आया विभीषण, आजकल अपनी अयोध्या को जलाता है। कवि ने कविता सुना कर ये सवाल किया, देखता हूँ कौन कौन तालियां बजाता है।
प्यार कैसा हो गया, मोहब्बत कैसी हो गई है जी। साइकिल पे जा रहा था, प्रेम गीत गा रहा था, मोड़ पे वो टकराई और प्यार हो गया। आए, आए। और प्यार हो गया, आप बोलिए। साइकिल पे जा रहा था, प्रेम गीत गा रहा था, मोड़ पे वो टकराई और प्यार हो गया। बस के सफर में था, सीट मेरी खाली ही थी, बैठ के वो शर्माई और प्यार हो गया। छत पे खड़ा हुआ था, जिद पे अड़ा हुआ था, कपड़े सुखाने आई और प्यार हो गया। लेकिन वो छल गई, बाद में बदल गई, डैडी को बुला ले आई, बंटा धार हो गया। और इस शो के लिए जो अभी अभी लिखा है मैंने, यहाँ बैठ के लिखा है, इतना ताजा है कि इसके अंदर से भाप निकल रही है। वाह भाई वाह, मैं हंसाने है तू आया हूँ मैं, रोते हुए लोगों को हंसा के मार डालूंगा, गजलों में गीतों में डूबा के मार डालूंगा, या मीठी मीठी बातों में फंसा के मार डालूंगा। क्या बात है, वाह वाह। सचमुच तुमने मार डाला, क्या बात है, बहुत बहुत बढ़िया ढंग से। ये एक तरीका होता है कविता का, इशारों में बात करना। इशारों से जो बात की जाती है वो ज्यादा मारक होती है, ज्यादा प्रहारक होती है। भाई आपका एक इशारा हम और देखना चाहते हैं। हमारा एक सेगमेंट है जिसका नाम है कहानी थोड़ी इल्मी है। फिल्म का एक दृश्य दिखाएंगे, आवाज नहीं होगी, अब उसे देख के देखिए आपको कुछ याद आता है। तो देखते हैं पहला दृश्य, कहानी थोड़ी इल्मी है। राजेश खन्ना साहब हैं, पानी नहीं है, शायद ये उनके पुत्र पुत्र वधु और पोता है ऐसा लग रहा है दृश्य से, और ये बड़े मजे से खा रहे हैं और गुस्से में उठ के आए और ये थोड़ा पानी वानी डाला और बेचारे बड़े मजबूर पिता लग रहे हैं। कुछ याद आता है किसी को देख के? हाँ सुबह सर, मुझे अपनी गजल का एक मतला याद आ गया इस सीन को देखकर कि अपने बच्चों से बहुत डरता हूं मैं। आहा, अपने बच्चों से बहुत डरता हूं मैं, अपने बच्चों से बहुत डरता हूं मैं, बिल्कुल अपने बाप के जैसा हूं मैं। हाय हाय, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया जुबैर। इसमें मुझे बड़ी पुरानी कहानी याद आ गई कि एक ऐसे ही पुत्र ने अपने पिता को घर से निकाल दिया और निकालते वक्त कंबल दिया और कहा कि ये ले जाओ, सर्दियों में काम आएगा ओढ़ने के लिए। तो जो पुत्र अपने पिता को निकाल रहा था उसका बेटा यानी कि पोता आया और अपने पिता से कहने लगा कि पापा मुझे भी एक कंबल दो ना। बेटा तुझे क्यों कंबल चाहिए, तू तो इसी घर में है। कहने, जिस दिन मैं आपको निकालूंगा मैं भी दूंगा। ये सत्य है और हमें इस सत्य को समझना चाहिए। लेकिन दोस्तों, वाह भाई वाह, मैं इस महफिल में मैं जानता हूं कि आप घर नहीं जाना चाहते, मतलब अपने घरों में बैठे हैं लेकिन कविताओं के घर से निकलना नहीं चाहते, क्योंकि ये एक ऐसी महफिल है जहां आके आदमी खो जाता है, भूल जाता है जमाने के गम, जमाने की उदासियां। लेकिन जाते आते मुझे दो शेर रहमान रब्बानी साहब की याद आते हैं। वो कहते हैं कि क्यों रेत का घरौंदा बनाने नहीं दिया, इसका कोई जवाब हवा ने नहीं दिया। ये जो स्वाभिमान है कवियों का, शायरों का, क्या बढ़िया कहते हैं, क्यों रेत का घरौंदा बनाने नहीं दिया, इसका कोई जवाब हवा ने नहीं दिया, हमने खुद ही गिरा दिया अपने मकान को, मगरूर आंधियों को गिराने नहीं दिया। मिलेंगे कल और कहेंगे वाह भाई वाह।